currently pursuing PhD from the Department of Zoology, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. So today we got this opportunity to hear Anand Shinde sir's talk, his experiences and experiments with elephants that he encountered while working with them. It was a wonderful talk and I thoroughly enjoyed it. Being a research student and doing my research in zoology, it was thought-provoking and raised a lot of research questions inside my mind. Manjeet Singh, वो मेरे photography के दोस्त थे और Manjeet Singh ने मुझे कहा था कि अगर आप केरला में हो तो मुझे हाथी दिखाना। As a, we are a student of a zoology and we study the behaviors of different animals, but the elephants are such an animal that we find in the forest, and we never come to know directly in the contact with the elephants that how do they behave. So it was a very nice opportunity to know us about the elephants and their behavior. So it was a very nice talk by Shri Anand ji. आज हमारे दोस्ती की वजह से हम दोनों देख सकते हैं हाथी के खाने के दांत भी और दिखाने के दांत। जब भी मैं ये काम करता था तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब एलिफेंट सेंटर जाता था तो मैं एक लाइन हमेशा सुनता था, हैंडलर्स कहते थे ब्रांडन तगला वापस आ गया। आज आनंद शिंदे यांचा कार्यक्रम मी अटेंड केला आणि हत्तींबद्दल काहीही माहिती नसताना त्या माणसाने मला जवळपास हत्तींशी भेट घडवून दिली असं फीलिंग आलं। उसकी सोच को सोच के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, इतना सा दिमाग है, उतना सा दिमाग चला कि उसके सामने कुछ ऑब्स्टिकल रख देते हैं, अब ये भूल जाते हैं कि उसका इतना है और इंसान से ज्यादा यूज होता है। मी प्रार्थना करते कि असे खूब सगे आनंद शिंदे आमच्या डिपार्टमेंटला खूबदा विजिट करतील आणि आमच्या स्टूडेंटला एक इन्स्पिरेशन प्रोवाइड करतील कि खरोखर ॲनिमल बिहेवियर आणि फील्ड मध्ये जे ऍक्च्युअल काम असतं ते कसं करायला हवं। हाथी जब पानी पीने के लिए नदी पे या तालाब पे जाता है तो एकदम नजदीक, पानी के नजदीक जो कीचड़ रहता है उसमें उसका पगमार्क आ जाता है। हाथी जब पानी में जाके बैठेगा तब पानी बाहर आता है, उस पगमार्क में स्टोर हो जाता है। जो पानी पगमार्क में स्टोर होता है उसी को पीकर बटरफ्लाइज, हनीबीज और आंट्स, चिटिया, वो उसके ऊपर अपना सर्वाइवल करती है। शिंदे सर म्हणजे खरं सांगायचं तर ते व्याख्यान नव्हतं, ते स्वागत होतं त्यांचं। क्योंकि अगर हाथी रहेंगे तो उनके ऊपर सर्वाइव होने वाले जानवर, पेड़ पौधे रहेंगे। कुछ बीजें तो ऐसी है जो हाथी की डाइजेशन सिस्टम से नहीं जाएगी तो रिजर्मिनेट नहीं होगी। उनको रिजर्मिनेट होने के लिए हाथी के डाइजेशन सिस्टम से जाना जरूरी होगा। तो इनडेंजर स्पीशीज की बहुत सारे पेड़ उससे बच भी जाते हैं। Importance of elephants in the wild was very nicely explained by him, and the need for conserving wild elephants was also very nicely explained. So for these, उनको living things मानना शुरू करेंगे। जिस दिन हम लोग उनको corridor देना शुरू करेंगे, उनके आवास में उनको खाना मिलना शुरू होगा, तो उनको human colonies में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग काम करते रहेंगे वाइल्ड लाइफ के लिए तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हाथी के लिए ये लास्ट ईयर है ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेव एलिफेंट, सेव यू। અપ્રતિમ અભિયમ મનુષ્ય અને પ્રાણી વચ્ચેનો સેતુ બાંધવાનું કામ શ્રી આનંદ શિંદે જ્યાં બળદેશ હોતે તેમની સ્વતંત્ર અનુભવ આપણા સામું ખૂબ જ ઉપકૃત કેલે ખૂબ જ इस विषय के गुरु हैं डॉक्टर जेके अलेक्जेंडर त्रिवेंद्रम जो हैं। उनको मैंने ये आवाज़ सुनाई और मैंने पूछा सर ये आवाज़ क्या है। उन्होंने कहा इट्स कॉल्ड ग्राउंडिंग, इट इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ एलिफेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हाथी गुस्सा है तो अपने कान को फ्लैट कर देता है,
अगर खुश है तो वो अपने कान को हिला रहा है, और अगर वो आपको सुन रहा है तो उसके कान अपने शरीर से चिपके हुए हैं। अपने घर पर सुरक्षित रहेगा, और अगर वाइल्ड लाइफ अपने घर में सुरक्षित है तो ह्यूमन बॉडीज अपने घर में सुरक्षित रहेगी। प्लीज सेव एलिफेंट, सेव एनिमल, सेव नेचर। थैंक यू। प्रगति करते थे और बार बार हमको सुनने का मौका।